बागी माहिरी करण भाट डाबर रास्ता बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के बावजूद संबंधित विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और न ही जनप्रतिनिधि इस रास्ते की मरम्मत करने के लिए किसी प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, जबकि यहां से गुजरने वाले छोटे बड़े वाहन चालक, पैदल सफर करने वाले नागरिकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस रास्ते की गिट्टी पूरी तरह से उखड़कर रास्ते के बीचों बीच बिखरी पड़ी है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटना होती रहती है, जिसमें अनेकों वाहन चालक इस रास्ते से फिसलकर दुर्घटना में अपाहिज हुए हैं। फिर भी संबंधित विभाग के अधिकारी इस समस्या को सुलझाने की बजाय और समस्या विकराल होते देख रहे हैं। स्थानीय विधायक सांसद भी इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रयास करते नजर नहीं आने से इस रास्ते में अब आगमन करने वालों को आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी रास्ते से रोजाना स्कूली बच्चे, महिला, किसान, पर्यटक, छोटे बड़े वाहन चालक व आगमन करते हैं, जहां इन्हें रास्ते पर बिखरी गिट्टी, पत्थर, गड्ढों को पार कर गुजरना पड़ता है। वहीं भागी माहिरी में बड़ा जलाशय तथा घना जंगल, वन्य पशु होने से इस ओर भारी संख्या में पर्यटक, सैलानी सैर करने वाहनों से आते रहते हैं, जिसकी वजह से यहां के स्थानीय को बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। पर भागी माहिरी में आने का रास्ता ही पूरी तरह उखड़ जाने से इस और पर्यटकों ने आना बंद कर दूसरी ओर पर्यटक के लिए जाना पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां के स्थानिक बेरोजगारों के रोजगार पर विपरीत असर दिखाई दे रहा है। स्थानिकों द्वारा अनेकों बार इस बारे में शिकायत करने के बाद भी संबंधित विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए स्थानीय विधायक सांसद ने इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए प्रयास करना जरूरी है। इस तरह की मांग स्थानिकों द्वारा की जा रही है। 2 साल से भागी माहिरी करम्बार जो मार्ग बना हुआ है, इस मार्ग पर आप देख सकते हैं कितने बड़े दरारें पड़ी हुई है, और ये रास्ता जहाँ पर अपन देखा जाए तो जगह जगह हमें क्षतिग्रस्त होकर उसमें से पूरी गिट्टी की गिट्टी बाहर निकल चुकी है, जबकि यहाँ से आने जाने वाले बड़े वाहन या छोटे वाहन धारकों को बड़ी ही तकलीफ होती है। फिर भी यहाँ पर प्रशासन किसी प्रकार की रास्ते की मरम्मत के लिए आगे नहीं आता और ना ही इस रास्ते की दुरुस्ती के लिए कोई काम कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आए दिन वाहन धारकों को बड़ी तकलीफ होते हुए यहाँ पर बड़े अपघात या दुर्घटनाएं होती, जिसमें अनेकों की अपाहिज, अनेकों लोग अपाहिज हुए यहाँ पर, जबकि यहाँ पर तुरंत ये काम होना चाहिए था। यहाँ से आने जाने के लिए महाराष्ट्र शासन की ST बसेस आती है, जिसमें बच्चे होते हैं, और वही यहाँ से रोजाना भागी मारी के लिए यहाँ पर पर्यटक स्थल होने से यहाँ पर रोजाना पर्यटक आते, जिनको यहाँ आने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर भी रास्ता जो कि तो वैसे बना हुआ है, ना तो यहाँ दुरुस्ती की जाती है, ना ही यहाँ अधिकारियों का यहाँ पर किसी प्रकार का ख्याल देने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं, जबकि यह काम प्रशासन ने तुरंत करना चाहिए था। और देखा जाए तो यहाँ पर जो लोक प्रतिनिधि हैं वो भी इस रास्ते के दुरुस्ती के लिए कोई काम नहीं करते, और ना ही काम करने के लिए जो जरूरी कदम उठाने की जो फूटा हुआ है इसकी दुरुस्ती जल्द से जल्द हो, इस तरह की मांग इन नगरवासियों, ग्रामवासी ने की है। और यहाँ आने जाने वाले जो पर्यटक है उनके लिए भी यह रास्ता आने जाने के लिए सुचारू रूप से तैयार किया जाए तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर पर्यटक आ सकते हैं, ऐसी आशा है। जबकि ये रोड कई दिनों से क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी यहाँ बनाया नहीं जा रहा है, इसलिए प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर इस रास्ते को सुचारू रूप से और आगमन के लिए तैयार किया जाए, इस तरह की मांग इन ग्रामवासियों ने की है। पारशिवनी से BCN न्यूज के लिए संवाददाता रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।